ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन या बूच मेथडोलॉजी के बारे में आज हम जानेंगे, और उसमें हम देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये यूनिट 4 का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल कुछ ना कुछ बहाने से आता ही है ये। तो हम देखेंगे बूच मेथडोलॉजी या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो मेथडोलॉजी होता है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो सिस्टम होता है उसको डिज़ाइन करने के लिए एक मेथड अप्लाई किया जाता है जिसको बूच मेथडोलॉजी कहा जाता है। उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन मेथडोलॉजी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथडोलॉजी में सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के बारे में आपको बताना है कि हमारा जो जो भी डिज़ाइन या जो भी स्ट्रक्चर तैयार होगा इस मेथड के द्वारा, उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन हमको मिलेगा। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का मतलब ही होता है वो, आपको उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन अगर है तो आपको उसमें एब्स्ट्रैक्शन मिलेगा, आपको इनकैप्सुलेशन मिलेगा, पॉलीमॉर्फिज्म मिलेगा। और ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमने पहले भी पढ़ रखी है कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। देन आपको ये स्टेप का स्ट्रक्चर बना के उसमें दिखा दिया गया है, बताया कि एब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन है और पॉलीमॉर्फिज्म है। इन सबसे मिलकर यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन यहाँ पर बना हुआ है। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट और क्लासेस से बना हुआ रहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथडोलॉजी, सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। और इनको डिज़ाइन करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जा रहा है उसका नाम है बूच मेथडोलॉजी, जिसको कोई पर्सन है बूच नाम से, उन्होंने डिज़ाइन किया था इसको, इसलिए उनके नाम से इस मेथड का नाम रखा गया है। क्लियर? अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर्स में भी ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन नाम से क्वेश्चन आया है, ये वही है बूच मेथडोलॉजी आया है, चाहे ऐसा आया, आपको इसी को लिखना है। प्लस आपको यहाँ पर और भी चीज़ें मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर यूनिट 4 में गिने चुने ही क्वेश्चन है, जैसे रिलेशनशिप टाइप्स हो गए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और रिलेशनल में अंतर हो गया, ऑब्जेक्ट टाइप हो गया। यूनिट 5 में ये सब क्वेश्चन MFC और वर्क स्पेस, डिवाइस कंटेक्स्ट, ये सब क्लास व्यू और ये सब क्वेश्चन ही है जो गिने चुने वही आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथडोलॉजी में का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब भी डिज़ाइन बनाई जाती है तो उसके कुछ प्रोसेस होते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसका एक प्रोसेस होता है, पहले आके फॉर्म फिलअप करोगे, फिर आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, देन आप मेरिट लिस्ट में जाकर अपना एडमिशन लोगे, फिर फीस पे करोगे, देन ऐसे कुछ प्रोसेस होता है, किसी भी चीज़ को करने का प्रोसेस होता है। वैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथडोलॉजी में किसी डिज़ाइन को बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस जो है वो है एनालिसिस तथा डिज़ाइन। एनालिसिस करना होता है, जैसे मुझे कोई भी स्ट्रक्चर तैयार करना है तो पहले मुझे उसको एनालिसिस करना होगा कि वो जो स्ट्रक्चर है या वो जो सिस्टम है क्या पॉसिबल है, पॉसिबल है तो उसमें कितना समय लगेगा, क्या क्या चीज़ें लगेगी और कितना मैन पावर लगेगा, या जो भी चीज़ें हैं। एनालिसिस का मतलब होता है उनकी पूरी जांच करना कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो पॉसिबल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कोई कंपनी चलाता हूँ और मेरा कस्टमर है जो मुझे बोलते हैं मुझे एक SMS बनाने के लिए ऐप चाहिए, तो मैं उनको ऐप बना के दे देता हूँ। कोई बोलता है मुझे बिल बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, मैं उनको बिल बनाने के लिए सॉफ्टवेयर बना के दे देता हूँ। तो कोई बोलता है कि आप कंप्यूटर से लगभग हर काम कर सकते हैं, कोई बोलता है मुझे एक ऐसी सॉफ्टवेयर बना के दीजिए कि मैं यहाँ से गायब हो जाऊँ और दूसरे जगह पर प्रकट हो जाऊँ, तो ये पॉसिबल नहीं है सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो जब भी मैं कोई सिस्टम बनाने जा रहा हूँ या कोई चीज़ डिज़ाइन करने जा रहा हूँ, सबसे पहले जो सामने वाले की रिक्वायरमेंट होती है उसकी एनालिसिस करना होता है मुझे, कि क्या सामने वाले ने जो बोला है वो पॉसिबल है या नहीं है। दूसरा पॉइंट, अगर वो पॉसिबल है तो उसमें कितना समय लगेगा, क्योंकि सामने वाला तुरंत पूछेगा कितने दिन में आप दे पाओगे, कितना समय लगेगा, कितना खर्चा लगेगा, उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और मैं कितना मेंटेनेंस दूंगा, वो सारी चीज़ों को ही तय करना पड़ता है मुझे। उसके बाद ही सामने वाले को मैं जवाब दे सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि सामने वाले ने जो बोला है वो पॉसिबल है या भी या नहीं, मैं उसको कर पाऊंगा भी या नहीं, कर पाऊंगा तो कितने दिन में कर पाऊंगा, कितना एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, कितना मेंटेनेंस लगेगा, कैसे कैसे हम उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, किस तरीके से रिमोट लोकेशन पे इम्प्लीमेंटेशन होगा। ये सारी चीज़ों को मैं तभी सामने वाले को बता पाऊंगा जब मैंने उस टॉपिक का एनालिसिस किया हुआ है।
तो मैं उस डिजाइन की एनालिसिस करता हूँ सबसे पहले। जैसे हम घर भी बनाते हैं तो पहले उसका स्ट्रक्चर तैयार होता है कि ऐसा जो किसी ने मुझे रिक्वायरमेंट दी है, मैं आर्किटेक्ट हूँ, उसने बोला कि मुझे ऐसा ब्रिज बना कर दे दो तो मैं बना के दे दूंगा, उसमें इतना खर्चा लगेगा, इतना समय लगेगा। कोई बोलेगा मुझे अंडर वाटर ब्रिज चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है अंडर वाटर ब्रिज बनाना? अगर है तो उसके लिए क्या क्या मशीनरी लगेगी, कितना खर्चा आएगा, कितना मैन पावर लगेगा, कितना टाइम लगेगा, सब चीज़ बताना पड़ेगा। तो कोई बोलेगा मुझे हवा में तैरता हुआ ब्रिज बना के दे दो, या फिर ऐसा घर बनाओ जो चार पिलर्स पे ही खड़ा हो और नीचे नदी बह रही है, तो क्या ये पॉसिबल है नदी के बीच में बना पाना कि नहीं है, और है तो कितना खर्चा लगेगा, क्या क्या टेक्नोलॉजी रहेगी, ये सारी चीज़ें मुझे एनालिसिस करनी पड़ेगी, तभी मैं सामने वाले को बता सकता हूँ। तो ये जो पहला फेस होता है वो एनालिसिस और डिज़ाइन का होता है। मैंने एनालिसिस किया और अगर वो चीज़ पॉसिबल है तो मैं उसका एक डिज़ाइन बनाऊंगा पेपर पर या सॉफ्ट कॉपी में, उसकी डिज़ाइन बना करके सामने वाले को रिप्रेजेंट करेंगे। वो डिज़ाइन सामने वाले को पसंद आएगी तब हम उसमें काम आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है? तो इस एनालिसिस वाले पॉइंट में आप देखेंगे कि इसमें आता है कि सिस्टम को डेवलप करने के लिए फिजिकल एंटिटी को टेस्ट करना, हमको टेस्ट करना होगा क्या ये पॉसिबल है कि नदी के बीच में हम चार पिलर पर या एक सिंगल पिलर पर घर बना सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि पानी के अंडर वाटर ब्रिज बना सकते हैं, उसको टेस्ट करना पड़ता है। छोटा मोटा ब्रिज बना करके या छोटे मोटे स्ट्रक्चर को पानी में बना कर देखना पड़ता है कि क्या ये पॉसिबल है। उसके बाद ग्राहकों के साथ कम्युनिकेशन भी करना होता है, हमारा जो कस्टमर है जिसने डिमांड की है, जो हमें पैसा देगा, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, उस कस्टमर के साथ हमको कम्युनिकेट करके उसको समझाना भी पड़ेगा कि हाँ ये पॉसिबल है और इस कंडीशन में पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और क्यों पॉसिबल नहीं है, उसको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो उसके लिए हमको इस स्पेस में कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रखनी होती है, क्योंकि हमारे पास जो ग्राहक आया है उसकी मेंटेलिटी हम नहीं जानते हैं। तो हर टाइप के कस्टमर को हमें हैंडल करने के लिए हमारी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है उसको डिज़ाइन में कम किया जाता है। डिज़ाइन ऐसा तैयार किया जा सके जाए कि उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी कम हो जाए। डिज़ाइन ही वो चीज़ होती है जो प्रोग्राम जो सॉरी जो किसी काम को आसान करती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत इजीली इजी तरीके से दिखाता हूँ कि मान लीजिए कॉलेज में आपको फॉर्म भरना होता है, तो फॉर्म भरने के लिए ऑफिस होती है, उसमें मैंने एक विंडो बना दी, ये मेरा डिज़ाइन है, यहाँ पर लोगों की लाइन लगेगी। ठीक है, लाइन लगाने के बाद यहाँ पर फॉर्म सबमिट होगा, फॉर्म सबमिट होने के बाद वो जाएगा चेक होने के लिए, चेक होने के बाद यहाँ पर जो पर्सन होगा, चेक होने के बाद फिर वो जाएगा फीस पे करने के लिए, फीस पे करने के बाद वो जाएगा प्रिंट के लिए, प्रिंट के बाद वो फाइनल सबमिशन पे जाएगा, देन एग्जिट हो जाएगा। ये मेरा डिज़ाइन है। तो इस काम को करने के लिए क्या होगा कि इस ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया कि यहाँ पर इस खिड़की में फॉर्म लेगा, फिर जमा करेगा, चेक करेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर बाहर निकल जाएगा, तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने में जो है काफ़ी समय लग रहा है, ये वाला जो हिस्सा है इसमें काफ़ी समय लग रहा है। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है वो काफ़ी बिजी हो गया है, सामने जो बैठा है वो 10 लोग को फॉर्म भरा रहा है, क्योंकि एक एक आदमी 20-20 मिनट तक फॉर्म भर रहा है और यहाँ पर उसको चेक करने में 2 मिनट 3 मिनट लग रहा है। तो यहाँ पर जो पर्सन बैठा रहेगा एक अकेला पर्सन, वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी यहाँ पर, और इन लोग जो हैं 3-4 लोग जो हैं वो आराम से बैठे रहेंगे, क्योंकि यहाँ से वो 20 मिनट तक जूझेगा तब एक आदमी आएगा यहाँ पर। तो इसका ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन होगा कि यहाँ पर ही इस आदमी को भी यहाँ बैठा दिया जाए और दोनों ही फॉर्म भराएं और चेक भी तुरंत हो जाए, तो एक ही काम डबल नहीं होगा। तो ये जो डिज़ाइन है वो आपका काम जो है वो कम करती है, काम को आसान करती है, और ये डिज़ाइन फेस में ही तय किया जाता है कि आपका काम जो है कैसे आसान किया जाएगा। क्लियर है? तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये पॉइंट आपको बस पॉइंट याद रखना है और कल्पना में देखना। आपको अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एक ऐसा ब्रिज चाहिए जो पानी के अंदर है, तो आपको उसको इमेजिन करना होगा कि पानी के अंदर जो ब्रिज है वो कैसा बनेगा। पानी के अंदर जो ब्रिज बनेगा वो पूरी तरीके से वाटर प्रूफ होना चाहिए,
और उसके अंदर से अगर कोई गुजरेगा तो अगर मैं वहां पर कांच लगा देता हूँ तो उसको नजारा भी दिखेगा। तो आपको इमेजिन भी करना है क्योंकि आप जो चीज बनाने वाले हैं उसकी पिक्चर आपके दिमाग में दिखनी चाहिए, तभी आप उसको उस चीज को फिजिकली डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारा जो एक्टिविटी होती है एक डिजाइनर जो होता है उसके अंदर होती है। हम कोई मेहंदी की डिजाइन सोचते हैं नहीं, तो वो हमको आंख मतलब माइंड में दिखती है तब हम उसको बना पाते हैं। कोई पेंटिंग सोचते हैं वो हमको दिखती है तो बना पाते हैं। कोई भी नई चीज जो डेवलप होती है जो पहले कभी नहीं थी उसको हमको मन में देखना होता है, और एक ना एक बार अगर हम उसको कल्पना में देखते हैं तभी हम उसको रियल लाइफ में ला पाते हैं, चाहे वो डिजाइनर हो या फिर कुछ भी चीज हो। कोई नई चीज अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो आपको उसको अपनी ये हैबिट को बढ़ाना होगा ताकि आप अपनी कल्पना में उसको देखें तभी रियल लाइफ में उसको ला पाएंगे। जैसे कोई नई बाइक डिजाइन कर रहा है तो वो उसको माइंड में सोचता होगा कि अगर इंजन इस डिजाइन का ना हो के इस डिजाइन का होगा तो वो काफी कूल दिखेगा और ज्यादा लोग पसंद करेंगे। तो उसकी जो डिजाइन है वो अपने माइंड पर इमेजिन करता है तभी वो डिजाइन कर पाता है। तो ये जो पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं इनमें ये सारी काबिलियत डिजाइनर के अंदर होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी डिजाइनर हो, चाहे वो कोई ड्रेस डिजाइन कर रहा है, चाहे कोई मशीनरी डिजाइन कर रहा है, चाहे कोई सिस्टम डिजाइन कर रहा है, चाहे कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन तैयार कर रहा है। हर डिजाइनर में ये खासियत होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, डिजाइन तैयार होने के बाद आपने पेपर पर डिजाइन तैयार कर लिया, किसी ड्रेस का डिजाइन तैयार कर लिया, किसी आपने जो दिमाग में देखा था उसको डिजाइन को आपने पेपर में रख लिया। डिजाइन तैयार करने के बाद आपका डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो चालू हो जाता है। डेवलपमेंट प्रोसेस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से वो कितना पॉसिबल है कितना नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन तैयार होती है, यानी कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप और एट्रीब्यूट, उनके एट्रीब्यूट के टाइप्स, वो सारी चीज़ों को ऐसे डायग्राम से बनाया जाता है और पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन दे दिया जाता है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट चालू हो जाता है। डेवलपमेंट मतलब क्लास कोड करना और क्लास एंड ऑब्जेक्ट बना के ये सारी चीजों को करना। कोड करने के पहले यहाँ पर हम चालू करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होते हैं? प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब होता है कि हमको किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहलाएंगे, मान लीजिए मैं अंडर वाटर ब्रिज बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये होगा कि मुझे वहाँ पर किसी पर्सन के जाने के लायक, किसी गाड़ी जाने लायक, या जो चीज़ें मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ, जैसे ट्रेन के लिए मुझे बनाना है तो ट्रेन के जाने लायक वहाँ पर जगह होनी चाहिए, इतनी बड़ी जगह होनी चाहिए कि वहाँ से ट्रेन काफ़ी आसानी से गुजर जाए। तो ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा। उसके बाद मैं उसमें एडिशनल चीज़ें इसमें ऐड कर सकता हूँ, जैसे ट्रेन जाने के बाद किसी पर्सन के लिए रहने की जगह भी होनी चाहिए ताकि कोई वहाँ बीच में आ जाता है तो वो बच सके। साथ ही साथ वहाँ पर मैं कांच लगा सकता हूँ ताकि अंडर वाटर जो व्यू है वो दिख सके। फिर कांच लगाने के बाद उसमें कांच की डिज़ाइन ऐसे होने चाहिए कि उसमें धूल मिट्टी ना जमे, या उसको साफ कैसे किया जाएगा, क्योंकि धूल मिट्टी जम जाएगी तो कांच का कोई मतलब नहीं हुआ। कांच ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में आती है जिनको हमको सॉल्व करना होता है। उसके बाद सिस्टम आर्किटेक्चर तैयार किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट मॉडलिंग की जाती है। मॉडलिंग का मतलब होता है हमको छोटा सा एक ढांचा बनाया जाता है और उसको देखा जाता है। जैसे हम बड़े से ब्रिज को बनाते हैं तो एक छोटा सा मॉडल बनाया जाता है उसका थर्मोकोल वगैरह से, कि वो किस तरीके से दिखेगा, किस तरीके से उस पर टेस्टिंग भी की जाती है कि अर्थक्वेक आएगा तो या फिर कोई आंधी तूफान आएगा तो किस तरीके से उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट मॉडलिंग की जाती है। तो इनको पॉइंट वाइज रखना है जिनसे हम डेवलप करते हैं कोई भी डिज़ाइन। और ये डिज़ाइन डेवलप करने का सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ही ये प्रोसीजर नहीं है, बल्कि ये प्रोसीजर हर फील्ड में अपनाया जाता है। चाहे कोई ड्रेस डिज़ाइनर है, चाहे कोई आपका मोटर बाइक डिज़ाइनर है, कोई मैकेनिकल का डिज़ाइनर है, आदि आदि। ये प्रोसेस लगभग सभी में अपनाई जाती है, एक आध स्टेप का ही ऊपर नीचे होता है यहाँ पर। क्लियर? आके देखते हैं अगला जो प्रोसेस है। ये आपको ये पॉइंट वाइज इनके पॉइंट्स याद रखने हैं मेन, और ये क्वेश्चन ऐसा है जो आना ही आना है, इसको मतलब आपको रटना ही है किसी भी हाल में। ठीक है, उसके बाद होता है
प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने बनाई थी, जैसे मैंने बनाया कि कांच लगेगा या फिर पटरी लगेगी या फिर जो भी चीज़ लगेगी, उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम यहाँ पर फिर से करेंगे कि कांच अगर लगाना है तो उसको स्कोप क्या होगा, मतलब कितने दिन तक चलेगा, कैसे उसकी सफाई होगी, स्क्रैचेस तो नहीं आएंगे, कोई तोड़ तो नहीं सकता है, उसकी सिक्योरिटी कैसी रहेगी आदि आदि, ये सारी चीज़ें इसमें आती है, स्कोप में उसकी आवश्यकता है कि नहीं, हमारा रिक्वायरमेंट है कि नहीं, ये सारी चीज़ें पॉइंट वाइज देखनी है हमको। सिर्फ ये पॉइंट्स याद रखना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट थर्ड पॉइंट जो है वो हमारा है, और ये आपका एक डिज़ाइन यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए सिस्टम आर्किटेक्चर से डिज़ाइन बनाएंगे, जैसे किसी बैंक का नेटवर्क का डिज़ाइन बनाएंगे, बैंक के नेटवर्क का डिज़ाइन यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको एक दिख रहा है कि ये बैंक का क्या है, स्टेटमेंट स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, और ये एक ऐसा छोटा सा डिज़ाइन बना करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, और ये सब पॉइंट्स आपको देखने होंगे। क्लियर है, ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ पर आपका बूच मेथोडोलॉजी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन का टॉपिक खत्म होता है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।